आप सभी का सर होने वाला है अब राइस, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं हमारा सरप्राइज। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स। जी आज आ गए हैं हम। 15-20 दिन से आप लोगों को लटका के या अटका के रखा था, तो आज है 9 जनवरी, बज गए हैं शाम के 5 और हम आ गए हैं इकोनॉमिक्स ऑन योर टेस्ट। तो पहले तो भैया मुझे बधाई दो, बहुत सारी बधाई दो, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस डेट को मैंने बोला उस डेट पे हम लेकर आ गए हैं। सो गाइस आज की तारीख हमने बोली और बिल्कुल आज ही आप सभी के लिए वो सरप्राइज हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा सरप्राइज है जिसके बारे हम बहुत दिनों से आप लोगों को बता रहे थे कि भैया एक सरप्राइज आने वाला है और आ गया है। तो चलिए मैं जाता हूं आपके सरप्राइज को लेकर आता हूं। तो चलिए गाइस चलो मेरे साथ और लेकर आते हैं आपके सरप्राइज को। गोल्डन गेट्स, जो लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है गोल्डन गेट्स क्या है, पर वो भी अब की बार इस गोल्डन गेट्स को देखकर है ना बावले होने वाले हैं, क्योंकि अब की बार इसमें इतना नहीं है, अब की बार इसमें वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपके एक टॉपर मैनुअल के अंदर होनी चाहिए। अब की बार जो ये गोल्डन गेट है ना, ये एक्चुअल में सुनहरे दरवाजे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे ऊपर पहुंचाने वाले हैं। ये कोई आम नहीं है, ये बड़ा मीठा आम है, ये नॉर्मल आम नहीं है, ये बड़ा मीठा आम है जिसका स्वाद जरूर चखना पड़ेगा। तो भैया क्या है गोल्डन गेट्स, कैसा होने वाला है हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका सीरीज का एक और प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं गोल्डन गेट्स, उसमें अब की बार 3 नहीं 5 दरवाजे होने वाले हैं। जी हाँ 5 दरवाजे, वो 5 दरवाजे कुछ ऐसे हैं जिनको क्लियर करने के बाद आप मन से शांत हो जाओगे। किससे? मन से हो जाओगे। सर हो गई तैयारी? क्या बोलोगे मेरे साथ? सर हो गई तैयारी? वो बोलेंगे सर हो गई तैयारी, हो गई पूरी तैयारी। तो बात करते हैं कि भैया कैसे होगी। इसका जो आखिरी गेट है ना, जी हाँ आखिरी गेट, वो कुछ ऐसा गेट है जिसको देखने के बाद बोलोगे सर नहीं नहीं नहीं, नहीं सर सर नहीं सर हम मान ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। सर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मान सकते हम ऐसा हो सकता है। सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जी हाँ आखिरी गेट कुछ ऐसा ही है जिसको देखकर आपके अंदर से बोलोगे वाह। क्या बोलोगे? वाह। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बिजनेस की भाषा में, अरे वाह। क्या बोलते हैं? अरे वाह। तो वो अरे वाह वाला है हमारा आखिरी यानी कि 5वां गेट। तो चलिए बात करते हैं गोल्डन गेट्स क्या क्या लेके आया है अब की बार आप सभी के लिए। और इसके पास जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी समझ पाए कि इस किताब के अंदर ऐसा क्या नया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले गेट की, जिसका नाम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग गेट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट गेट। तो भैया ये कॉन्सेप्ट गेट क्या है? ये कॉन्सेप्ट गेट 3 पेपर बनाता है जिसके अंदर एक बिजनेस, एक इको, एक अकाउंट। जी हाँ जैसा मैंने बोला ना 3-in-1 है। 3-in-1 का मतलब क्या है? इसमें इको भी है, बिजनेस भी है और अकाउंटेंसी भी है। तीनों एक ही के अंदर है, अलग अलग सेपरेट नहीं है, तीनों एक ही में। तो भाइयों और बहनों सबसे पहला गेट है आपका कॉन्सेप्ट गेट। कॉन्सेप्ट गेट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट गेट का मकसद यह है कि आप सभी के वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट देख पाए जो कि आपकी बुक से या आप जो कि आपके पेपर में आते हैं। यानी कि इस गेट में 3 पेपर आप सभी को मिलेंगे, बिजनेस, इको एंड अकाउंट्स, तीनों का एक एक पेपर आप सभी को मिलेगा। इसका मेन फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करना। इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताने वाला हूं कि ये हमने कहां से क्या पूरा क्रिएट किया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सो इस बुक में पहले जो आपके 3 हैं उनका काम है आपके कॉन्सेप्ट सुधारना। तो जो 3 पेपर हैं उसके अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को हिला डालेंगे। जी हाँ सिंपल, मीडियम और हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्ट गेट है। यानी कि पहले गेट में भी आपको केस स्टडीज मिलेंगी, पहले गेट में भी आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, बट दे आर बेसिकली फोकस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट। ये बताएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट कितने सही हैं। दूसरा जो आपका एग्जाम है यानी कि दूसरा जो हमारा गेट है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग गेट। तो भाई अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडिंग गेट क्या है। दूसरा, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो अब आपका काम है कि आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छी तरीके से समझते हैं, विच कंप्राइज ऑफ योर केस स्टडी, विच कंप्राइज ऑफ योर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को जज करेंगे कि आपको कितना अंडरस्टैंड करना है या आप किस तरीके से एग्जाम में टेढ़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा, उसके अंदर भी तीन पेपर है, एक इको, एक बिजनेस और एक अकाउंट। तीसरा और हमारा जो एक्सपर्ट गेट है, वो एक्सपर्ट गेट अब की बार बड़ा शानदार बनाया गया है। उन एक्सपर्ट के अंदर वो सारे के सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के अंदर। अभी रिसेंट डेटा को लेकर, रीसेंट जो चल रहा है हमारी इकोनॉमी में लेकर, जो अभी स्टैगफ्लेशन की कंडीशन हमारी इकोनॉमी में आई, प्याज के दाम बढ़ गए, तो इन चीजों से लेकर इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर हमने वो बनाया है इको के अंदर। बिजनेस में सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, और अकाउंटेंसी के अंदर हायर लेवल क्वेश्चंस हमने दिए हैं। ये सारे के सारे आपके बोर्ड के स्पेसिफाइड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, एक भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द पैटर्न नहीं है, इस चीज का याद रखना। तो एक्सपर्ट गेट कंप्राइज ऑफ थ्री पेपर, अगेन एक और बार तीन पेपर आप सभी को मिलेंगे विद आंसर, इन सबके सॉल्यूशंस आपके पास है, सबके सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे इसके अंदर। आप सभी को मिलता है सबसे पहली चीज बिजनेस का एक एक्सपर्ट पेपर, अकाउंट्स का एक एक्सपर्ट पेपर और इकोनॉमिक्स का एक भारी एक्सपर्ट पेपर, जो आपके एक्सपर्ट नॉलेज को या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को सुधारने का काम करेगा। ठीक है, तो ये तो भाई तीन गेट हुए, मैंने कहा इसमें पांच गेट हैं, तीन हो गए, दो और। ये जो दो गेट है ना, हाय राम, सबसे ज्यादा समय इन दो गेट्स के बारे में लगा है। चौथा जो गेट है उसको हम बड़े प्यार से बुलाते हैं वन मार्क गेट। क्या बोलते हैं? जी हाँ, वन मार्क गेट। अब बोलोगे सर वन मार्क गेट? जी हाँ, ये वन मार्क गेट एक ऐसा वन मार्क गेट है जिसके अंदर आपको अकाउंट्स, इको, बिजनेस तीनों के 100 क्वेश्चन, यानी इको के 100, अकाउंट्स के 100, बिजनेस के 100 क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे। इट कंप्राइज ऑफ एमसीक्यू, इट कंप्राइज ऑफ वन मार्क क्वेश्चन, इट कंप्राइज ऑफ डायरेक्ट राइटिंग क्वेश्चन, बहुत सारे आपके 100 तीनों के तीन एमसीक्यू आप सभी को मिलेंगे विद सॉल्यूशन। अब पांचवा गेट, लाओ जरा बुक दो हमें, पांचवा गेट हम बताएंगे और बताने के साथ साथ आपको दिखाएंगे, अगर आपको दिखेगा। जी हाँ, पहले देखते हैं कि दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। भैया निकल, हाथ कांप रहे मेरे, दिख रहा है क्या भैया? क्लियर? थोड़ा थोड़ा, चलो फिर रहने दो, आपको मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यही तो खेल है, यही सारा खेल है। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी और थोड़ा सा विश्वास कम होगा, पहले तो विश्वास दिलाते हैं। आपको पता है सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च करा था इको का, और जब वो लॉन्च हो गया था सब लोगों ने वीडियोस बनाना चालू कर दिया, पर मैंने दो दिन बाद बनाई थी। अब बोलोगे सर दो दिन, हाँ ठीक है, चाहो तो चेक कर लेना। सर इसमें क्या बात है? इसमें पता है, इसमें जज्बात है, इसमें बात नहीं है, इसमें जज्बात है। जज्बात ये था कि अब की बार मैंने सोचा, मैंने कहा यार कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ। तो मैंने क्या करा, सबको मना कर दिया कि मेरे को कोई भी सैंपल पेपर नहीं भेजेगा, जितने भी है आप लोगों के थ्रू तो आ रहा था, पर हमने एक को भी डाउनलोड नहीं किया। जितने भी थे हमारे साथ वाले सर सैंपल पेपर, मैंने कहा अभी नहीं। मैंने एक दिन छुट्टी करी सबकी, बंद करा, और हमने क्या करा, सामने घड़ी लगाई, बोर्ड एग्जाम में जैसे आपकी कॉपी आती है ना, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम की जैसे कॉपी आती है वैसी कॉपी खरीद के लाया। मैंने कॉपी लेकर आओ, ठीक है, कितने पैसे, सस्ती आती है बड़ी, दो दो तीन तीन रुपए की एक कॉपी मिल जाती है, 8 पेजों वाली, ठीक है। तो वो लेकर आया, घड़ी लगाई, घड़ी लगा के टाइम ऑन किया, जेब में से फोन निकाला, पीडीएफ ऑन करी, और पहली बार वो पूरा पेपर आप सभी के लिए मैंने खुद ने सॉल्व किया है, लिखा है, पढ़ा है, करा है, 3 घंटे के अंदर एक बारी बैठकर। और सही है या गलत है ये जानने के लिए आपको यहां देखना पड़ेगा, I don't think so, you can see it or not। ये थोड़ा पास लेकर आए हम इसके अंदर। जी हाँ, पहली बार आपके अपने गौरव सर, यानी कि मैंने पूरा इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर खुद ने अपनी लैंग्वेज में सॉल्व करा है, बिना किसी आंसर्स को देखे समझे भले। और पूरा लिखना कैसे है, आपकी जो सबसे भारी दिक्कत आती है कि सर आंसर लिखे कैसे, कैसे करें, कैसे बड़े बड़े आंसर,
हर चीज मैंने अपनी लैंग्वेज में सॉल्व करके यहां पर प्रेजेंट करी है। 3 घंटे के अंदर उसका आपको स्कैन कॉपी यहां मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि आखिरी के जो 6 पेज हैं, इट कंप्राइज ऑफ 16 कॉपीज जो कि मैंने खुद ने कहा गया भाई रुको मैंने खुद ने लिखी है और इस गोल्डन गेट के अंदर छोड़ी है। आप सोचोगे सर बिजनेस और अकाउंट्स, बिजनेस और अकाउंट्स सब जगह सेम ही आंसर्स मिलेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इकोनॉमिक्स में आंसर कैसे बड़ा करना है, सर इंडियन इकोनॉमी में कौन सी लैंग्वेज लिखनी है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, वो सब कुछ इस ब्रह्मास्त्र के अंदर अवेलेबल है। जी हाँ, सब कुछ इस ब्रह्मास्त्र के अंदर अवेलेबल है। ये पिछले 4 महीने की हमारी मेहनत है जिसको हमने और हमारी टीम ने, आप पूरा नाम पढ़ सकते हैं नीचे, राइटर्स वगैरह सब अवेलेबल, सारी चीजें आपकी बार मेंशन करी है हमने, तो हमने और हमारी टीम ने मिलकर पहली बार इसका एक ऐसी किताब बनाई है जिसको देखकर हम इतने खुश हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। दिस इज द बेस्ट दैट वी हैव क्रिएटेड टिल नाउ। जी हाँ, दिस इज द बेस्ट दैट वी आर क्रिएटेड, वी हैव क्रिएटेड टिल नाउ, इससे बेहतर नहीं बन सकता, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने के लिए इससे बेहतर चीज मेरे को नहीं दिखती है। कुछ टीचर्स के पास ये ऑलरेडी पहुंचने वाली है, ठीक है, उनको हमने बताया टीचर्स को कि सर ऐसा है, तो लाइक दैट कॉन्सेप्ट उनके पास पहुंचने वाली है। अगर आप सभी को इस बुक को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये 3 का 3 in 1 है। इसके बाद आपको ना अकाउंट्स का कुछ खरीदना है, ना बिजनेस का कुछ खरीदना है, ना ही इको का कुछ खरीदना है, ठीक है। ये तीनों चीजें इस एक किताब, हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका पार्ट 3 के अंदर अवेलेबल है। इसमें इतनी मेहनत पिछले 4 महीने से हमने और हमारी टीम ने करी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको पता होगा बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी 6 दिन के लिए गायब थी। आप सोच भी नहीं सकते वो 6 दिन 12 से 15 घंटे रोज हम इस बुक को देते थे, रात को 2-2 बजे तक बैठते थे ताकि इस बुक में कुछ ऐसा कर सके जैसा किसी ने नहीं सोचा होगा। जो सैंपल पेपर आखिरी में मेरे थ्रू बनाया हुआ गया है, इसमें कोई भी चीटिंग, कॉपी किसी और का, आगे पीछे कुछ नहीं है। दिस इज द प्योर राइटिंग, आप समझ सकते हैं मेरी राइटिंग है, तो देख के बुरा मत मानना, ठीक है। कभी शुरू में अच्छी है, फिर धीरे धीरे डॉक्टर राइटिंग में कन्वर्ट हुई है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बार में ही सर ने लिखा होगा। और इसको बनने के बाद एक चीज मैं आपको बहुत आराम से कह सकता हूं, अबकी बार जो पेपर आएगा वो आपका टाइम लिमिट से ज्यादा थिंकिंग स्केल पर बेस्ड होगा, क्योंकि ये 2 घंटे के अंदर ये पेपर खत्म कर दिया था मैंने, ठीक है। 3 घंटे नहीं लगे थे क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स याद हैं या मेरे को समझ में आते हैं सारे के सारे, सो आपको 2.5 घंटे लगने वाले हैं। तो इस बुक को अगर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अमेजोन का, एंड आई एम 100% श्योर कि आप सभी इसको खरीदने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, काफी बहुत ही लो प्राइस के अंदर, क्योंकि 3 in 1 है, तीनों काम एक ही में हो जाएंगे, ठीक है। एक के में 3 है, एक के साथ 3 है, ठीक है, तो तीनों काम एक ही में हो जाएंगे। और आप सभी के साथ मैं ये आशा करता हूं कि कल सुबह जब आप और मैं उठेंगे तो अमेजोन पे जब गोल्डन गेट सर्च करेंगे तो उसके ऊपर बेस्ट सेलर का टैग लगा हुआ होना चाहिए, और आप सभी इसको मेरे साथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन प्रिपेयर विथ, ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि आपको 20 सैंपल पेपर 25 सैंपल पेपर दूं, क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी समझ है कि आप भी कभी 15-20-25 सॉल्व नहीं करोगे, आपको करना उतना है जितना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। सो गाइज, आपसे मिलते हैं कल हमारी मैं भी टॉपर सीरीज के लिए। इसको परचेज कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि भैया ये है। और एक छोटी सी चीज आप सभी को कहना चाहेंगे, दिस इज ये हमारी मेहनत है, ठीक है, सो शो सम रिस्पेक्ट टूवर्ड्स इट, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें और सभी के सभी अभी जाके इसको परचेज करेंगे। इट नॉट कॉस्ट व्हाट यू थिंक, इट कॉस्ट व्हाट यू नॉट, आप सोच भी नहीं सकते यार, बहुत कम प्राइस के अंदर हमने इसको रखा है, कॉस्ट प्राइस ही हमने इसका रखा है। हमने कहा छोड़ो यार, बच्चों को दे दो सब कुछ, क्योंकि प्रिंटिंग वगैरह थोड़ा बहुत लगता है, सो दैट इज व्हाट वी हैड, और ये सभी आप सभी के पास आने वाली है। सो अभी जाके अमेजोन से इसको परचेज करें, बुक को देखें, रिव्यूज प्रोवाइड कराएं, और आखिरी का पेपर भाई कुछ करो नहीं करो ये जरूर देखना। देखो जब जब तुम पेज पलटोगे ना तब तक मुझे खुशी होगी कि आखिरी के पेज तुमने देखे हैं और जो मैंने लिखा है वो आपको समझ में आया। सो गाइस, दिस इज इट फॉर आवर सेकंड लास्ट सरप्राइज ऑफ दिस सेशन। वी हैव वन मोर सरप्राइज बट वी गोना रिवील इट सून, नॉट नाउ बट सून, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट सरप्राइज, आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दो सभी के साथ। आपसे कल फिर मिलेंगे गाइस, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार। कल सुबह अमेजोन कौन कौन देखेगा मेरे साथ, नीचे लिखो मैं, क्या मैं, क्या लिखोगे मैं, कौन लिखेगा मैं, ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ अमेजोन देखेंगे, इसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाए, आप सभी को
वापस मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, अब कुछ नहीं है, अब तो बस ठोकना है।